नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा ग्रेड दो में आपका स्वागत है। आज के पाठ का शीर्षक है सड़क, विषय विशेषण और उद्देश्य विशेषण चौड़ा चौड़ी तथा कुछ क्रिया विशेषणों का बोध कराना। मेरे प्यारे बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आज मौसम कैसा है? सोचिए आज मौसम कैसा है? हाँ, आज मौसम सुहाना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष यानी अकौशल। इंद्रधनुष चौड़ा दिखाई दे रहा है। क्या आपको पता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सोचिए। हाँ, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। तो बच्चों, अब हम एक वीडियो देखेंगे। आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और फिर हम पाठ को शुरू करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? बहुत ही मनोरंजक था ना? अब ध्यान से देखिए और सुनिए। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, जिस पर जाए मोटर डौड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पर कभी न जाओ। जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी पछताओगे। बच्चों, इस शब्द को ध्यान से देखिए। यह है चौड़ी। चौड़ी यानी कि वाइड या लार्ज। चौड़ी एक विशेषण है। यह एक एडजेक्टिव है। चलिए इस शब्द की अक्षरी करते हैं। च औ र ई, चौड़ी। अलमारी चौड़ी है। अलमारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम चौड़ी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अलमारी चौड़ी है। दरवाजा चौड़ा है। दरवाजा शब्द पुल्लिंग है, इसीलिए हम
चौरा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दरवाजा चौड़ा है। सड़क चौड़ी है। यह सड़क कैसी है? सड़क चौड़ी है। पेड़ चौड़ा है। पेड़ चौड़ा है। बस चौड़ी है। बस चौड़ी है। सोफा चौड़ा है। सोफा चौड़ा है। कुर्सी चौड़ी है। कुर्सी चौड़ी है। पलंग चौड़ा है। पलंग चौड़ा है। बच्चों, अब हम फिर से एक और वीडियो देखेंगे। इसको ध्यान से देखिए और जरूरी चीजें कॉपी में नोट कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये दो विलोम शब्द हैं, le contraire, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आगे पीछे। आगे पीछे। किनारे बीच। किनारे बीच। पास दूर। पास दूर। अब यहाँ देखिए, मेरे साथ कुछ वाक्य पढ़िए। बुलबुल पेड़ के ऊपर है। फिर से बोलिए, बुलबुल पेड़ के ऊपर है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, खरगोश पेड़ के नीचे है। फिर से बोलिए, खरगोश पेड़ के नीचे है। इस चित्र को देखिए, लड़का बकरी के पीछे है। फिर से बोलिए, लड़का बकरी के पीछे है। अब यहाँ देखिए, बस मोटर के आगे है।
फिर से बोलिए, बस मोटर के आगे है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, पटरी सड़क के किनारे है। फिर से बोलिए, पटरी सड़क के किनारे है। इस चित्र को देखिए, गाड़ी सड़क के बीच में है। फिर से बोलिए, गाड़ी सड़क के बीच में है। अब यहां देखिए, आम सेब के पास है। मेरे साथ फिर से बोलिए, आम सेब के पास है। अंतिम चित्र को देखते हैं, चिड़िया शेर से दूर है। फिर से बोलिए, चिड़िया शेर से दूर है। तो बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। बहन जी को पूरा विश्वास है कि आप सही उत्तर चुन पाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वाक्यों को सही चित्रों से मिलाइए। यहाँ पर चार चित्र दिए गए हैं, चित्रों को ध्यान से देखिए। अब वाक्यों को पढ़ते हैं। सड़क चौड़ी है, पलंग चौड़ा है, बस चौड़ी है, सोफा चौड़ा है। चलिए जल्दी जल्दी वाक्यों को सही चित्रों से मिलाइए। बहुत अच्छा, सड़क चौड़ी है, पलंग चौड़ा है, बस चौड़ी है, सोफा चौड़ा है। अब यहां ध्यान से देखिए, सही चित्र को पहचानिए। खरगोश पेड़ के नीचे है। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर चुनने की कोशिश कीजिए। ढूंढिए खरगोश कहाँ है। बहुत अच्छा, दूसरा चित्र बिल्कुल सही है। खरगोश पेड़ के नीचे है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वाक्य को सही चित्र से मिलाइए। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए। अब हम वाक्य को पढ़ते हैं। गाड़ी सड़क के बीच में है। ढूंढिए किस चित्र में गाड़ी सड़क के बीच में है।
बहुत अच्छा, पहला चित्र बिल्कुल सही है। गाड़ी सड़क के बीच में है। अंतिम प्रश्न को देखती है। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखिए। अब हम वाक्य को पढ़ती हैं। आम सेब के पास है। आम सेब के पास है। ढूंढिए आम और सेब कहाँ है। बहुत अच्छा, तीसरा चित्र बिल्कुल सही है। आम सेब के पास है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव, चौड़ा चौड़ी, और कुछ क्रिया विशेषण के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बीच, के किनारे। अब बहन जी आपको आपके घर का काम दे रही है, जल्दी से आप कॉपी में नोट कीजिए। पुस्तक में पृष्ठ 27 पर नंबर 3 और 4 को पूरा कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नंबर 3 पर हमें वाक्यों को चित्रों से मिलाना है। नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर भी हमें वाक्यों को सही चित्रों से मिलाना है। आज की सीख। जानता है देश का हर एक बच्चा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। बच्चों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहन जी आशा करती हैं कि आप अब अपने गृह कार्यों को पूरा करेंगे। तो अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और शुभ दिन।